नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और कह सकते हैं अरुणाचल और पूरे प्रदेश में इलेक्शन का जो माहौल था वो ख़त्म हो चुका है। और अरुणाचल की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में स्टेट असेंबली में बीजेपी ने बहुमत में वो जीत चुके हैं। आउट ऑफ 60 सीट्स 46 सीट्स उन्होंने अपने और उन्होंने सीट जमा लिया कह सकते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा की, पार्लियामेंट की, तो यहाँ से दो जो रिप्रेजेंटेटिव थे, किरण रिजिजू वेस्टर्न से और ईस्टर्न से जो तापिर गांव थे, दोनों ने भी अपना सीट जमा लिया। पार्लियामेंट कल के दिन में रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें अरुणाचल की कॉन्टेक्स्ट में तो कह सकते हैं पूरे इंडिया में भी अरुणाचल में बीजेपी के सबसे मेजोरिटी वे में जीता गया अगर दूसरे स्टेट से कंपेयर किया जाए तो। और जैसे मैंने बताया शुरुआती में ही कि अरुणाचल प्रदेश में स्टेट असेंबली में बीजेपी ने बहुमत में अपना सीट बना लिया, 46 सीट उनके तरफ से किया गया। तो सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि नेक्स्ट सीएम कौन होने वाला है, बीजेपी के तरफ से कौन अरुणाचल को, अरुणाचल का जो भागदौड़ है वो संभालने वाला है। तो अब मैं बता दूँ, इस वक्त हम आए हुए हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर पे और जहाँ पे हम यहाँ के जो उनके एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलेंगे और सीधे उनसे जानेंगे कि आज के दिन में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि आप सब ग्लिम्सेस में देखोगे। और साथ ही साथ आप सब यहाँ पर देखोगे कि कई कार्यकर्ता वर्कर्स, बीजेपी वर्कर्स है जो यहाँ पर न्यूली इलेक्टेड MLAs को रिसेप्शन के लिए बैठे हैं और कई ऑलरेडी आ चुके जो आप सब ग्लिम्सेस में देखोगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जैसा मैंने कहा, अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में रहेगा कि अरुणाचल प्रदेश का आने वाला सीएम कौन होने वाला है बीजेपी पार्टी से। तो चलिए सीधे मिलते हैं और उनसे ही सीधे जानते हैं आज के दिन में क्या होने वाला है और नेक्स्ट सीएम अरुणाचल का कौन होने वाला है। भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की जय। कांग्रेचुलेशन, अरुणाचल प्रदेश में काफी बहुमत में आप लोग जीते हैं। सर, हम सीधा जानना चाहेंगे आज के दिन में क्या हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिसेप्शन टाइप के कुछ हो रहा है, तो आज के दिन में एग्जैक्टली पार्टी ऑफिस में क्या चल रहा है? आज का तारीख में आप खुद ही विटनेस कर रहे हैं, हमारा जो जीत का जो चहल पहल को दिखाई दे रहा है और जीत का मिताई बात रहा है और सबको अपना जितने भी 60 MLAs को हम लोग रिसेप्शन का प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज कर रहा है। आज से लेके 2-3 दिन हम लोग ऑर्गेनाइज पार्टी की ओर से कर रहा है और हमारा अध्यक्ष प्रेसिडेंट भीमराव मोहगे जी नेतृत्व कर रहा है और हम लोग इनका साथ कंधे से कंधा मिला के आज हम लोग जितने भी लेजिस्लेचर जो जीत गए डिस्ट्रिक्ट से जो आने वाले हैं पूरा इन्वाइट करके हम लोग मिताई बात रहा है। और सर, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, जैसे वहाँ पे तो बीजेपी का इस बार जिस तरीके से 400 पार कह रहे तो वो तो नहीं हो पाए, 300 भी नहीं पहुँच पाए, लेकिन यहाँ के जो टीम मेंबर हैं जैसे आप लोग हैं, तो स्टेट बीजेपी यूनिट की तरफ से क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर, सबसे पहले अरुणाचल वासियों को, अपना जितने भी कार्यकर्तागण, अरुणाचल का जितने बीजेपी माइंडेड और विकास की ओर सोचने वाले, पेमा खांडू का विजन को वेलकम करने वाले, हमारा भीमराव मोहगे पार्टी प्रेसिडेंट का जो मिशन को कामयाब कराने के लिए कार्यकर्तागण लगन से इस इलेक्शन में लगा हुआ, ये लोग को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, अभिनंदन, सब दिल से पार्टी की ओर से, मेरे ओर से सबको बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। सर, कब तक बीजेपी, क्योंकि अरुणाचल का बात करें कॉन्टेक्स्ट में, तो कब तक ये पार्टी हाईकमान डिसाइड करेंगे? हम तो ये भी पार्टी हाईकमान डिसाइड करेंगे जो स्टेट का तो हो चुका है। ये 2-4 दिन लगेगा, अपना केयर टेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी नेतृत्व अभी चल रहा है तो इनको रेगुलराइज करने का पार्टी हाईकमान सोच रहा होगा। हाँ, सीएम पोस्ट को पार्टी हाईकमान ही डिसाइड करेगा और जो अगले 5 साल
कौन नेतृत्व करेगा वो भी भारतीय हाईकमान डिसाइड करेंगे। हाँ, अंदर की बातें लेकिन जानना चाहूंगी, क्योंकि जो एक्टिंग अभी जो कैटेगर सीएम है पेमा खांडू है सर, और रेस में कोई है क्या, और बीजेपी से ही सर हम जानना चाहेंगे। देखिए, इस इलेक्शन हिस्टोरिक इलेक्शन इनका लीडरशिप में हम लोग अचीव किया, बिवराम वागे दोनों का लीडरशिप में, चोना मीन तीनों का लीडरशिप में हम लोग 46 out of 60, ये हिस्टोरिक बीजेपी के लिए अचीवमेंट किया है। और हम लोग सब कार्यकर्ता लोग तो तीनों को बधाई देते हैं, और इन लोग का विजन, इन लोग का मिशन को अगले 5 साल में हम लोग कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग विचार रखता है और सोच भी रहा है कि हम लोग इन लोग का मिशन, इन लोग का मार्गदर्शन में हम लोग चलने के लिए तैयारी चल रहे हैं। विश्व भारती नर्सिंग कॉलेज बेंगलोर, एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2024-25। जेएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डीफार्म, डीफार्म अमेरिकी, बीपीटी की एडमिशन जुड़े। जेएनएम नर्सिंग की एलिजिबिलिटी बोर्ड आर्ट्स अमेरिकी साइंस से की गई। Experience led by faculty senior state of the art labda hands on training period institution. Akupamaro Vidamak 9395405659 da contact obiro.